नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जा कर के देखें। मुश्तरका क़ुरबानी का ऐलान हो चुका है। जिन लोगों को हिस्सा लेना है व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करें, तफसीलात मिल जाएंगी। आइए ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। आपने तस्वीर देखी होगी कि नरेंद्र मोदी ने आईन को अपनी पेशानी से लगा रखा है। ये मुल्क के अवाम ने करवाया है। मुल्क के वज़ीर आज़म को अवाम ने पैगाम दिया कि अगर आपने आईन से खिलवाड़ किया तो अच्छा नहीं होगा। ये बयान आज राहुल गांधी ने रायबरेली में एक तकरीब से खिताब करते हुए दिया। दरअसल वो रायबरेली पार्लिमानी सीट पर उन्हें कामयाब बनाने के लिए अवाम का शुक्रिया अदा करने पहुंचे थे। इस मौके पर राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी और अमेठी पार्लिमानी सीट से कामयाब कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा समेत कुछ दीगर अहम लीडरान भी मौजूद थे। अपनी तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के वाराणसी पार्लिमानी सीट पर मिली कम वोटों से जीत का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी वाराणसी में जैसे तैसे जीते हैं। अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी वहां से लड़ गई होती तो आज वज़ीर आज़म 2 से 3 लाख वोटों से वाराणसी का इंतखाब हार जाते हैं। यूपी के कन्नौज लोकसभा सीट से इंतखाब जीतने के बाद समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव असम्बली के अहदे से इस्तीफा दे चुके। इसके साथ ही उन्होंने करहल असम्बली सीट और यूपी असम्बली में अपोजिशन लीडर का अहदा भी छोड़ दिया है। इनका इस्तीफा देने के बाद अब करहल असम्बली सीट पर ज़िमनी इंतखाब होने वाला है। राहुल गांधी आज केरला दौरे पर हैं। सुबह उन्होंने मलप्पुरम में एक रोड शो किया जहां लोगों की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। वायनाड पार्लिमानी हलके से मिली जीत का शुक्रिया अदा करने केरला पहुंचे हैं। बुध के रोज़ पहले उन्होंने मलप्पुरम में रोड शो किया और फिर उसके बाद वायनाड में एक जलसे आम से खिताब किया। रोड शो में शामिल होने के लिए हज़ारों की तादाद में UDF के कारकुनान और हामी एडोना में जमा हुए और सभी ने राहुल गांधी की हिमायत में नारेबाजी की। गुज़त महीने भर से बमों की धमकियों का एक सिलसिला सर चल निकला है। धमकी एयरपोर्ट, स्कूलों, अस्पतालों तक को मिल रही है और तफ्तीश के बाद गलत साबित होती है। इसी एक धमकी चंडीगढ़ के मेंटल हॉस्पिटल को ईमेल के जरिए दी गई। ईमेल में अस्पताल में बम होने की बात कही गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद मरीजों अमले में खौफहराइज फैल गया। इस धमकी के बाद अस्पताल को खाली कराया गया और बम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। लोकसभा इंतखाबात 2024 में बीजेपी को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। उसने NDA में शामिल पार्टियों की मदद से हुकूमत तश्कील दी। पीएम मोदी ने तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म अहदे का हलफ ले लिया, लेकिन इस बात से कई लोग खुश हैं कि बीजेपी अपने दम पर हुकूमत तश्कील देने में नाकाम हो गई। ऐसे लोगों में मशहूर व मारूफ अदाकार नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। नसीरुद्दीन शाह ने लोकसभा इंतखाबात 2024 से मुतल अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम मोदी ये बात मान चुके थे कि वह ताहयात वज़ीर आज़म रहने वाले हैं। अब पीएम मोदी के लिए इत्तेहाद वाली हुकूमत चलाना एक तलख दवा खाने जैसा होगा। नसीरुद्दीन शाह ने मजीद कहा, जब उन्हें पता चला कि बीजेपी को अपने दम पर लोकसभा इंतखाब में अक्सरियत नहीं मिली और गुज़्त 2 इंतखाबात के मुकाबले में उसने अच्छी कारकर्दगी नहीं की तो उन्होंने राहत की सांस ली थी। इस खबर से वो बहुत खुश हुए थे। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में मुसलसल दहशतगर्दाना हमलों को लेकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमलों में अपने गुस्से का इजहार किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, मुबारकबादी पैगाम का जवाब देने में मसरूफ़ नरेंद्र मोदी को जम्मू कश्मीर में बेदर्दी से मारे गए अकीदतमंदों के अहले खाना की चीखें तक सुनाई नहीं दे रही हैं। स्टॉक मार्केट ने खुलने के 1 घंटे पहले एक नई तारीखी बुलंदी को छू लिया और NSE Nifty 23420.35 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया। उसने अपने साबिका बुलंदतरीन सतह 23411.90 को उबूर कर लिया है। वहीं सेंसेक्स भी 76967.73 पॉइंट्स तक पहुंच गया और 77079 की अपनी बुलंदतरीन सतह से सिर्फ चंद पॉइंट पीछे रह गया। दिल्ली में शदीद गर्मी के दरमियान पानी का बहरान बढ़ता जा रहा है। इस पर बरहमी का इजहार करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हुकूमत से पूछा है कि उसने टैंकर माफिया को रोकने और पानी का ज़िया रोकने के लिए आपने क्या काम किया। दिल्ली में पानी की किल्लत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान कहा कि कोई नया मामला नहीं है। गुज़्त चंद सालों से मामला मुसलसल अदालत के सामने आ रहा है। ऐसे में अगर हर साल गर्मियों में इस किस्म का मसला पेश आता है तो इसे निमटने के लिए आपने क्या इकदाम किए हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रामनाथ सिंह सेकरवार ने वोटों की गिनती के दौरान बेजाब्तगी का इल्ज़ाम लगा। इनका कहना है कि वोटों की गिनती के दौरान धांधली हुई। इस इल्ज़ाम के बाद उन्होंने सीट पर VVPAT पर्चियों की दोबारा गिनती का मुतालबा कर दिया। रामनाथ सेकरवार ने इस जिम्मे में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की पाबंदी करते हुए आगरा के जिला मजिस्ट्रेट को खत लिखा है।
उत्तर प्रदेश की जिला हरदोई में रेत से भरा ट्रक उलट गया। इस हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद की मौत हो गई जबकि एक शदीद जख्मी हुआ। हादसा मंगल की देर रात पेश आया। ट्रक उलटने के बाद सड़क किनारे रहने वाला पूरा खानदान रेत के नीचे दब गया। जब तक रेत और ट्रक को हटाकर नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला गया, 4 बच्चों समेत 8 अफराद हलाक हो चुके थे। हुकूमत ने अवामी तरसीली निज़ाम PDIS के तहत राशन लेने वाले मुस्तफीदीन के लिए राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख में 3 माह की तौसी कर दी है। सेंट्रल फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि सार्फिन अब 30 सितंबर 2024 तक राशन कार्ड को आधार से जोड़ सकेंगे। साबिका नोटिफिकेशन में इसके लिए 30 जून 2024 तक का वक्त दिया गया है। नई तश्कील शुदा NDA हुकूमत में HD कुमार स्वामी को स्टील की वजारत दी गई। इनके इस ओहदे पर फायज होने के बाद कांग्रेस ने उनसे वजारत से मुतालिक 5 सवालात पूछे हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अपने अकाउंट पर HD कुमार स्वामी से ये सवाल कन्नड़ा, अंग्रेजी और हिंदी तीनों जबानों में किए हैं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि HD कुमार स्वामी जंग आलूद हुकूमत में स्टील के नए वजीर आजम हैं, उनसे ये 5 सवालात पूछे जा रहे हैं। पंजाब के साबिक वज़ीर आला जालंधर से कांग्रेस उपने पार्लियामेंट चरणजीत सिंह चीनी ने हरियाणा के केतल में सिख नौजवान पर हमले के बाद बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत और भारतीय जनता पार्टी पर तनकीद की। उन्होंने सिख नौजवान पर हमले की वजह कंगना रनावत की नफरत अंगेज बयानबाजी को करार दिया है। अब तलबा को हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटियों आला तालीमी इदारों में 2 बार दाखिला लेने का मौका मिलेगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने गैर मुल्क यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर मुल्क की यूनिवर्सिटियों में साल में 2 बार दाखिला देने के मंसूबे को मंजूरी दे दी। UGC के चेयरमैन जगदीश कुमार ने मंगल को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया दाखिले का अमल तालीमी सेशन 2024-25 से 2 मरतबा जुलाई, अगस्त और जनवरी से फरवरी में शुरू किया जाएगा। अमरीका में सदारती इंतखाबात करीब है, इससे आयन कबल सदर जो बाइडन मुश्किल में फंस गए हैं। ड्रग एंड गन केस में अमेरिका के डेलावेयर की अदालत ने जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन को कसूरवार करार दिया। इनकी सज़ा का ऐलान 120 दिनों के अंदर हो सकता है। हंटर को ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल कैद की सज़ा हो सकती है। हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालिब अब्दुल्ला इसराइली फौज के एयर स्ट्राइक में 11 जून की शब हलाक हो गए थे, जिससे नाराज हिजबुल्ला ने 24 घंटे के अंदर बदले की कार्रवाई की। अपने कमांडर की मौत के कुछ घंटों बाद हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 200 रॉकेट इसराइल की तरफ दाग दिए। इस हमले के बाद हिजबुल्ला ने कहा कि इसने इसराइल के फौजी ठिकानों को हदफ निशाना बनाया है। मकबूजा फिलिस्तीन इलाकों में होने वाले जराइम की तहकीकत करने वाले अक़वामे मुत्तहिदा ने आज़ाद बैनुल अक़वामी तफ्तीशी कमीशन से रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने गजा में फिलिस्तीनी वसी पैमाने पर तबाही समेत जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। अमरीकी सदर जो बाइडन जो कि दारुल वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे थे कि दौरान एक शख्स ने तुम गजा में नस्लकुशी की शराकत दार हो के नारे लगाते हुए एहतजाज किया है। जो बाइडन ने वाशिंगटन में असलिया के तशद की रोकथाम के मामले पर सालाना तौर पर मुनदा गन सेंस यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी, लेकिन एहतजाज का सामना किया। लीबिया के इंसदाद गैरकानूनी नकल मकानी इदारे ने अक़वामे मुत्तहिदा के बैनुल अक़वामी इदारा बराए महाजरीन के तआवुन से बांग्लादेशी शहरियत के हामिल 163 गैरकानूनी तारिकिन वतन को मुल्क बद्र कर दिया है। हिंदुस्तान ने ऐलान किया कि रूसी फौज में खिदमत अंजाम देने वाले उसके 2 शहरी यूक्रेन में हलाक हो चुके हैं। भारतीय वजारत खारजा के तहरीर बयान में कहा गया कि हमें अफसोस के साथ इल्म हुआ कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तनाजात में रूसी फौज में भर्ती होने वाले 2 हिंदुस्तानी शहरी हलाक हुए। हम हलाक शुदगान के लवाहिकीन से दिल ताज़ियत का इजहार करते हैं। हिजबुल्ला ने शिमाली इसराइल पर शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। इसराइल की फौजी रेडियो का कहना है कि जनूबी लबनान से इसराइल के शिमाली इलाकों पर शदीद गोलाबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। जालिम दहशतगर्द इसराइल फौज के गजा में हमलों के नतीजे में एक बच्चे समेत 8 मजीद फिलिस्तीनी जाँ बाँग हो चुके हैं। फिलिस्तीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी वाफा के मुताबिक राफा शहर की शिमाली महल अन्नसरिया में एक मकान को निशाना बनाया गया था। हमास ने जंगबंदी की तजवीज़ का जवाब मिस्र और कतर को भेज दिया है। हमास के आला रहनुमा अली बरका ने फिलिस्तीनी ग्रुपों से कहा है कि वह गजा में जंगबंदी और असीरों के तबादले से मुतालिक सलामती काउंसिल के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए सालिसों के तवसुस से मुजाकरात करें। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देखा कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी